यूपी विधानमंडल का बजट सत्र आज से शुरू होगा। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल विधानमंडल के दोनों सत्रों को संयुक्त रूप से संबोधित करते हुए अभिभाषण पेश करेंगी। वहीं वित्तीय वर्ष 2023-24 का बजट 22 फरवरी को विधानमंडल के दोनों सदनों में पेश किया जाएगा। कार्य मंत्रणा समिति की बैठक में बजट सत्र को 6 मार्च तक संचालित करने की मंजूरी दी गई है। कल अपना दल के पूर्व विधायक स्वर्गीय राहुल प्रकाश कौल के निधन पर शोक प्रस्ताव पारित कर सदन की कार्यवाही स्थगित की जाएगी। वहीं 22 फरवरी को वित्त मंत्री सुरेश खन्ना वित्तीय वर्ष 2023-24 का बजट पेश करेंगे। 22 फरवरी से ही सदन में राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा शुरू होगी। 3 दिन राज्यपाल के अभिभाषण पर और 4 दिन बजट पर चर्चा रहेगी। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ते हैं हमारे यूपीयूके हेड अमृत सिंह से। जी अमृत, बताइए किस तरह की कार्यवाही रहेगी ये बजट सत्र की? देखिए राखी, 18वीं विधानसभा का यह पहला सत्र राज्यपाल के अभिभाषण के साथ आज शुरू होगा। 22 फरवरी को राज्य सरकार वित्तीय वर्ष 2023-24 का बजट पेश करेगी। साथ ही सोमवार को राज्यपाल यूपी सोमवार के कामकाज और आगामी योजनाओं का खाका सदन में रखेंगी। इस दौरान हालांकि पूरे आसार है कि विपक्ष हंगामे की रणनीति बना सकता है। साथ ही माना जा रहा है कि समाजवादी पार्टी कानपुर देहात में महिला और उसकी बेटी के जलने के कारण हुई मृत्यु के मद्देनजर जोर शोर से इसका मुद्दा जो है वो उठा सकती है। वहीं अन्य आपराधिक घटनाओं पर भी सरकार को घेरने की तैयारी है। लेकिन अगर बात करें सरकार के कामकाज की, तो सदन को चलाने के लिए कल जिस तरीके से सतीश महाना ने विधानसभा अध्यक्ष ने सर्वदलीय बैठक बुलाई थी, उसमें उन्होंने सभी सदस्यों से कहा था कि सभी जो विपक्षी दल हैं वो इस सदन को चलाने के लिए अपना अपना समर्थन दे। संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना ने भी कहा था कि हम अच्छी तरह से जानते हैं कि गुड गवर्नेंस की वजह से हम दोबारा चुनकर आए हैं। सभी लोग सदन चलाने में सहयोग करें, यह एक अच्छी परंपरा है। बैठक में तमाम दलों के नेता मौजूद थे। विधायक निधि को इस बार जीएसटी मुक्त रखा जाएगा। इसके लिए भी सपा ने सर्वदलीय बैठक में विधायक निधि को जीएसटी से मुक्त कराने की मांग उठाई है। उस पर भी आज राज्यपाल के अभिभाषण के बाद ये मुद्दा भी उठ सकता है। लेकिन अगर बात करें विधानसभा की, तो इस बार राखी नए नियमों से विधानसभा यूपी की चलेगी। बदलते वक्त व नई जरूरतों के मुताबिक अब यूपी विधानसभा भी नई नियमावली के हिसाब से इस बार से चलेगी। इसका मसौदा और खाका पूरी तरीके से तैयार है और इसे बजट सत्र के दौरान सदन में पेश कर इसे पास कराया जाएगा। विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना की पहल पर इस बार जो नियमावली है वो पूर्ण रूप से हिंदी में तैयार की गई है। अब इसे अंग्रेजी में अनुवाद किया जाएगा। डिजिटल के दौर में 1965 की यूपी विधानसभा की ई प्रक्रिया व कार्य संचालन नियमावली के बजाय अब नई नियमावली बनाई गई है। विधायकों की सहूलियत व ज्यादा से ज्यादा बोलने का मौका देने के लिए नए प्रावधान जोड़े गए। मसलन प्रश्नकाल सुबह 11 बजे से 12:20 तक चलता है आमतौर पर जब भी विधानसभा शुरू होती है। जरूरत पड़ने पर लेकिन अब इसको दोपहर 3 बजे तक भी बढ़ाया जा सकता है। सदन में ई विधान लागू हो सकते हैं। सोशल मीडिया का प्रचलन बढ़ने व नियमों को सरल करने के साथ साथ विपक्ष को अपनी बात कहने का ज्यादा वक्त मिल सकता है राखी। लेकिन अगर इस बार के विधानसभा सत्र की बात करें, तो जिस तरीके से विधानसभा को पूरा मुद्दा विपक्ष सरकार कांग्रेस हो या सपा हो, महंगाई है, कानून व्यवस्था है, इन सभी मुद्दों पर सरकार को घेरने की कोशिश जो है वो कर सकती है राखी। जी बिल्कुल अमरीश, जिस तरीके से आपने बताया है कि नई नियमावली के अनुसार इस बार सत्र चलेगा और इसकी कार्यवाही चलेगी, तो इस बार विपक्ष के लिए आपने जो मुद्दे बताए हैं, तो पक्ष की क्या स्ट्रेटजी रहेगी इस बार? देखिए पक्ष की बात करें तो इस बार का बजट खास हो सकता है। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना सदन में अपना बजट पेश करेंगे। इस साल का बजट करीब 7 लाख करोड़ रुपए से अधिक का हो सकता है। सरकार बजट में विधानसभा चुनावों के दौरान किए गए वादे, 2017 विधानसभा चुनाव भारतीय जनता पार्टी ने दोबारा जीता है और उसने इस बार के चुनाव में लोकसभा चुनाव ऐसे बजट पेश कर सकती है जिसका फायदा उसके 2024 के लोकसभा चुनाव में हो सकता है। बजट में युवाओं को निःशुल्क टैबलेट है, लैपटॉप वितरण के लिए भी राशि आवंटित की जाएगी। एमएसएमई उद्योगों की स्थापना के लिए युवाओं को प्रोत्साहित किया जा सकता है। नई स्टार्टअप नीति के तहत नवाचार को बढ़ावा देने के लिए और युवाओं को प्रोत्साहित करने के लिए योजनाओं पर फोकस हो सकता है। लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी काम यूपी सरकार कर सकती है। राज्य में उद्योगों की स्थापना के लिए बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण जो है वो भी राखी की कर सकती है। इसके अलावा अगर बात करें तो वाराणसी में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम और मेरठ में मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय के निर्माण के लिए भी धनराशि दी जाएगी। साथ ही साथ जिलों में
खेलो इंडिया सेंटर की स्थापना की जाएगी। बजट में एक्सप्रेसवे परियोजनाएं, सिंचाई योजनाओं के लिए अधिक राशि मिलने की उम्मीद है। साथ ही साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ युवा स्वरोजगार योजना, मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग रोजगार योजना में ज्यादा बजट इस बार आने की संभावना है। साथ ही साथ कौशल विकास मिशन है, आईटी इलेक्ट्रॉनिक के क्षेत्र में युवाओं को रोजगार पर फोकस किया जा सकता है। राखी जी बिल्कुल, तो यूपी की जनता को सौगात मिलने के पूरे आसार दिखाई दे रहे हैं जिस तरीके से आपने ये स्ट्रेटजी हमारे साथ साझा की है। धन्यवाद अमरीश आपका इस तमाम जानकारी के लिए।